वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आल्सो विद एम के। आई होप गाइज़ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़ आज मैं आपको ना ओवरऑल टिप्स बताती हूँ कि सभी मॉड्यूल्स को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, किसी को स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, किसी को राइटिंग में, रीडिंग में, लिसनिंग में भी प्रॉब्लम है। तो मैं आपको ओवरऑल समझाऊँगी। पहली ये बात मैं ज़रूर क्लियर करूँगी भी जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हो अपने टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट करो। अगर आपको उनकी टिप्स अंडरस्टैंड होती है जो वो पढ़ाती हैं, अगर वो आपको अंडरस्टैंड होता है तो उनके ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है। दो तीन टीचर्स को फॉलो मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको वहाँ से अंडरस्टैंडिंग होती है तो आप उनको अच्छे से फॉलो करो, जो चीज़ें वो आपको बताते हैं उन चीज़ों के ऊपर आपने काम करना है, एंड उसके बाद आपके जो स्कोर है ना वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप दो तीन टीचर्स को फॉलो करोगे ना तो आप आइल्स में आपके बैंड स्कोर इंक्रीज़ ही नहीं हो सकते हैं फिर। क्योंकि हर एक टीचर अपने वे से आपको टीच करेगा तो आपके माइंड में कंफ्यूजन होगी, तो एक भी टिप अच्छे से आपकी एप्लीकेबल नहीं होगी। सबसे पहले जो मैं अपनी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करती हूँ और आप लोगों को भी मैं यही चीज़ रिकमेंड करूँगी, जो मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बता रही हूँ वही मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले अगर तो आपने आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर करना है, 5 घंटे आपने पढ़ना है पूरे दिन के, सिर्फ 5 घंटे की स्टडी रखो। जितना कम पढ़ोगे ना उतने आपके स्कोर आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अभी वो इंस्टीट्यूट भी जाते हैं फिर घर आकर फिर पढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। सिर्फ 5 घंटे की स्टडी रखो पूरे दिन के लिए, अगर इससे ज़्यादा करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम आएगी इसमें। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने क्या है इनको फॉलो किया, उनके डिज़ायर बैंड स्कोर भी आए हैं। इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो थोड़ा। 5 घंटे बहुत हैं सभी मॉड्यूल्स को करने के लिए, इससे ज़्यादा करोगे माइंड में कुछ नहीं जाएगा, वो तो मटेरियल वेस्ट करने वाली बात है और कंसंट्रेशन आपका वो भी लूज़ होगा और माइंड फ्रस्ट्रेट फील करेगा। 5 घंटे पढ़ो सिर्फ। देखो, अगर आपके अच्छे बैंड नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आपके बैंड स्टक हैं, तो आप लोग अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करो, अपने टीचर्स को बताओ कि हमारे बैंड स्कोर यहाँ पे स्टक हैं, और उनसे ये बात भी आपने कहनी है कि हमें कोई और मेथड बताओ इस टाइप को सॉल्व करने का। अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है तो उनसे पूछो भी मुझे ये वाला मेथड समझ में नहीं आ रहा, कोई और बताओ। अगर आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग में प्रॉब्लम है, आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग उस मेथड से समझ में नहीं आ रही, तो उनसे कोई अल्टरनेटिव मेथड पूछो, ठीक है। पूछोगे तो वो आपको बताएंगे, ठीक है। उनसे ज़रूर डिस्कस करना भी, अल्टरनेटिव मेथड बता दो, ये हमें समझ में नहीं आता। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, कभी एलिमिनेशन मेथड और कभी कीवर्ड मेथड। देखना, जब तक आपको चीज़ें इंप्लीमेंट करनी नहीं ना आएंगी तब तक आपके बैंड स्कोर स्टक रहेंगे। हमेशा इंप्लीमेंट करना सीखना है, इंप्लीमेंट करना सीख लो, स्कोर आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस में क्या करती हूँ, भी पहले एक टाइप खुद सॉल्व करवाती हूँ फिर क्लास में ही बच्चों से करवा रही हूँ, ताकि जो चीज़ मैं उनको बता रही हूँ उनको इंप्लीमेंट करना भी आए, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एट द एंड तो आप लोगों ने खुद एग्ज़ाम देने जाना है, आपका टीचर थोड़ी साथ जाएगा। इसी वजह से इम्प्लीमेंट करना सीखो खुद से। जो आप बोलते हो ना, जब आप करवाते हो तो करेक्ट हो जाते हैं, जब हम खुद करते हैं तो गलत हो जाते हैं, वो क्यों? क्योंकि इम्प्लीमेंट करना नहीं आता आपको, इसी वजह से है। अपने टीचर से कहो कि हमें इम्प्लीमेंट करना सिखाए। उसके बाद है कि अगर आपको लिसनिंग में प्रॉब्लम है, आपसे लिसनिंग नहीं हो रही है, सबसे पहला काम जो आपने करना है भी सिंगल टाइप करनी है, आपने सिंगल टाइप करनी है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में आप सिंगल टाइप करोगे ना, वो आपने सब टाइटल के साथ करनी है। सपोज करो कि आज आपने 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के करने हैं मॉर्निंग में, वो सब टाइटल के साथ करने हैं। इवनिंग में भी आपने लिसनिंग के एमसीक्यूज़ करने हैं, वो विदाउट सब टाइटल करने हैं।
इस मेथड को फॉलो करो, लिस्टिंग समझ में आ जाएगी। बाकी जो वोकैबलरी होती है, अपने टीचर से वोकैबलरी इकट्ठी करो, जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स होते हैं उनके स्पेलिंग आपको पता होने चाहिए, ये भी आप अपने टीचर से कलेक्ट कर सकते हो। और अगर MCQs हैं उनको हम किस किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे दो तीन तरीके होते हैं लिसनिंग के MCQs को फाइंड आउट करने के लिए, कि जो स्पीकर है वो कैसे रीफ्रेज करके बोलता है। अगर आपको वो तीन चार तरीके पता लग जाते हैं तो आपके लिसनिंग के MCQs क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट दिन फिर कोई और टाइप करो, ऐसे मॉर्निंग में सबटाइटल, इवनिंग में विदाउट सबटाइटल। डेली आपने सारे मॉड्यूल्स को करना है, जो भी आपको टीचर आपका रेगुलर बेसिस पर फीडबैक देता है उस फीडबैक के अकॉर्डिंग आपने अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है भी, अगर मेरे में ये दिक्कत है तो आप बताओ भी मैं कौन सा मेथड फॉलो करूँ जिससे कि ये इम्प्रूव हो जाए। डेली बेसिस पे करना, और कोई भी मॉड्यूल को लाइटली लेकर नहीं चलना है, सारे मॉड्यूल्स को इक्वली इम्पॉर्टेंस दो, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी देखे हैं कि जो कि ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं भी, लिसनिंग तो ईजी होती है, जो फाइनल एग्ज़ाम में वो जाते हैं तो उनके 5.5 आते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं करना चाहिए, सारे मॉड्यूल्स को इक्वल प्रेफरेंस दो, ठीक है। और टारगेट रखो भी, मैंने इतने टाइम में क्लियर करनी है, इतना टाइम मैंने हार्डवर्क करना है और मैंने पेपर दे देना है, हार्डवर्क प्रॉपर दे करना है। जो भी आपको आपके टीचर्स स्टडी प्लान देंगे उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है, जो आपको टिप्स बताएंगे उन टिप्स को माइंड में रखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना सीखना है, जो आपको सिनोनियम्स देंगे वो सिनोनियम्स आपको पता होने चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आपका IELTS का एग्ज़ाम वैसे ही क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो वो राइटिंग की बात करते हैं, सबसे पहले तो जो भी आपके टीचर्स आपको स्ट्रक्चर्स देते हैं वही फॉलो करना है, उसमें कुछ भी अपनी तरफ से चेंजेस नहीं करने हैं, जो वो करवा रहे हैं बस उसी के ऊपर आपने फोकस करना है, क्योंकि हर एक टीचर अपना आपको क्या बताएगा, स्ट्रक्चर बताएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो इससे अच्छा कि एक टीचर को ही करो, और बाकी जो होते हैं टास्क रिस्पॉन्स उसका ध्यान रखा करो। अगर आपको टास्क रिस्पॉन्स करेक्ट करना आ गया ना तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, राइटिंग में बहुत अच्छे बैंड आएंगे आपके। एक्सप्लेनेशन के ऊपर मेन फोकस दिया करो, बहुत सारे स्टूडेंट के बैंड स्कोर एक्सप्लेनेशन की वजह से नहीं आते हैं, सो इसके ऊपर आपने ज़रूर फोकस करना है एक्सप्लेनेशन के ऊपर। और कुछ भी क्रैमिंग लाइंस नहीं लिखनी है राइटिंग में, ये चीज़ का ध्यान रखना है, क्रैमिंग लाइंस लिखोगे वो ईजिली पॉइंट आउट हो जाती हैं, सो ये बिल्कुल भी मत करना। स्पीकिंग में अगर हम स्पीकिंग मॉड्यूल की बात करें तो स्पीकिंग में क्या चीज़ होती है कि आपको पैराफ्रेज करना आना चाहिए, एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको वेरिएशन दो, वेरिएशन तो देनी है लेकिन बात भी आपकी टू द पॉइंट होनी चाहिए। आप अपने टीचर्स के साथ कंसल्ट करो, वो आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से आप रीफ्रेज कर सकते हो, अदरवाइज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप उनको चेकआउट करो, स्पीकिंग पार्ट वन के भी, फॉलोअप्स के भी, क्यू कार्ड के भी आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी, वोकैबुलरी की भी, idioms के भी। देखो हमेशा मैं वो वाले idioms अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ, हर एक क्यू कार्ड में हम यूज़ कर सकते हैं। सो आप लोग भी ज़्यादा मत करो, लिमिटेड करो बट इफ़ेक्टिव करो, जैसे 5 घंटे आपने स्टडी करनी है ना तो प्रॉपर करनी है, लिमिटेड स्टडी है, मैक्सिमम रिज़ल्ट मिलेगा इसका, जितना कम पढ़ते हो ना, इफ़ेक्टिव वे से पढ़ते हो ना, उतने आपके स्कोर आ जाएंगे। क्यू कार्ड को क्रैम करके मत जाना, बैंड स्कोर रिड्यूस हो जाएंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सो प्लीज़ इसको मत करना। एंड हमेशा एग्जाम्पल्स को ऐड ऑन करने की कोशिश करो, आपको पता होना चाहिए कि जब मुझे इस क्वेश्चन का आइडिया नहीं पता तो मैंने कैसे इसको रीफ्रेज करके एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करना है। अगर आपको एट अ टाइम पर आइडिया नहीं आ रहा तो आपने कौन सी लाइन बोलनी है कि आपके माइंड में तब तक आइडियाज़ आ जाएं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंस्टीट्यूट
चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, लेकिन वो ज्वाइन करो जहाँ पे आपको समझ आ रही है, जहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है भी ये चीज़ ऐसे करनी है, ये टिप्स होती हैं, अगर ये वाली टाइप आएगी इसको ऐसे करना है, वो ज्वाइन करो। वो मैटर नहीं करता भी ऑनलाइन है जो ऑफलाइन है, क्योंकि अगर करनी है ना तो ऑनलाइन में भी हो जाती है ऑफलाइन में भी हो जाती है, लेकिन वहाँ पे करो जहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ में आता है कुछ, लेकिन करने सारे मॉड्यूल हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने। और लास्ट में तो मैं सिर्फ यही बात आपको कहूँगी कि अगर आप लोग अपना 100% दोगे ना, 100% टीचर देगा, डेफ़िनेटली आपके डिज़ायर बैंड स्कोर है वो आ जाएंगे। अगर किसी की तरफ से भी कम कंट्रीब्यूशन होगा तो बैंड स्कोर नहीं आते हैं। सो अपना भी 100% दो और आपका टीचर भी आपको 100% देगा तो आपके स्कोर डेफिनेटली ही आ जाएंगे। स्पीकिंग इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, रीडिंग इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप लोगों ने सोचा है, अगर आपको टिप्स पता है ना, चाहे आपको रीडिंग जितनी मर्जी डिफ़िकल्ट आ जाए आप उसको कर सकते हो। अगर आपको लिसनिंग में MCQs आते हैं, उनके टिप्स पता है भी कैसे कर रहे हैं, चाहे फिर आपको MCQ छोटे आए या बड़े आए आप सॉल्व कर सकते हो। सो ये सारी टेक्निक्स होती हैं, टिप्स होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं स्टडी प्लान के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बता देना, मैं डेफ़िनेटली आप लोगों के लिए वीडियो है वो अपलोड कर दूँगी।